राजस्थान यूनिवर्सिटी में कभी प्रदर्शन तो कभी विवाद देखने को मिलते रहते हैं। इसके बाद जो तहलका मचा था वो था निर्मल चौधरी थप्पड़ कांड का, जहां मंच पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विधायक रामलाल शर्मा के सामने अरविंद झाझड़ा ने निर्मल चौधरी को थप्पड़ मारकर मंच से नीचे गिरा दिया था। हालांकि फिर दोनों के बीच सुलह भी करवा दी गई थी, लेकिन अब छात्र संघ अध्यक्ष का फेसबुक अकाउंट से अश्लील वीडियो पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। नमस्कार, मैं रुचिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और स्मार्ट सॉल पेपर की खास पेशकश छात्र संवाद। जी हाँ, शुक्रवार को निर्मल के फेसबुक अकाउंट से चार लड़कियों के अश्लील वीडियो शेयर किए गए थे। इस पूरे मामले पर निर्मल का कहना था कि अकाउंट हैक करके उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। अब निर्मल ने हैकर के खिलाफ साइबर थाने में मामला भी दर्ज करवाया। निर्मल चौधरी ने बताया, आज मेरी फेसबुक अकाउंट की स्टोरी पर अश्लील वीडियो अपलोड किए गए हैं। इसकी जानकारी उनको भी उनके समर्थकों से मिली। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर शिकायत करने के साथ ही साइबर थाने में भी मामला दर्ज कराया ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके, और उन्होंने कहा मेरा ऑफिशियल अकाउंट फिर से रिकवर हो सके। इसके अलावा बताया कि पिछले कुछ वक्त से कुछ लोग बेवजह निर्मल को टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले दिनों भी ऑफिस में पथराव किया गया, वहीं अब सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके अश्लीलता फैलाई जा रही है। निर्मल डरने वालों में से नहीं बल्कि पुरजोर तरीकों से साजिश रचने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बता दें कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद भी निर्मल चौधरी सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हुए। उनकी फेसबुक आईडी पर 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ऐसे में शुक्रवार को जैसे ही निर्मल की फेसबुक आईडी से अश्लील वीडियो अपलोड हुई, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर निर्मल के समर्थकों में अभियान भी शुरू हो गए, जिसमें उनके समर्थक उनकी आईडी को रिकवर करने की मांग कर रहे हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस और खबरों और स्टूडेंट्स लाइफ की अपडेट के लिए देखते रहिए स्मार्ट सॉल्व पेपर्स एंड संडीवो मीडिया प्रेजेंस, छात्र संवाद एंड स्टूडेंट्स अपडेट। नमस्कार। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्व पेपर्स 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं और केवल 1 सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं, और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्मार्ट सॉल्व पेपर्स 1 वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। 1 सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न 1 सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में बीए, बीएससी, बीसीओएम, एमए, एमएससी, एमसीओएम पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे सभी यूजी पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021-22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व पेपर्स 1 वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें। परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व पेपर्स 1 वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।